ओके मनीषा, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन विद 10 मिलियन। मुझे आज भी याद है ओटीटी से पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, आपको मैंने पूछा था मनीषा किस तरह से आप आगे देखते हो, आपने कहा था कि मुझे अपने डैड को प्राउड करना है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट लाइन, टेल अस समथिंग। अब 10 मिलियन हो गया और इतना प्यार मिलता है आपको लोगों से, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा बस मुझे, मतलब मेरे जितने भी फैंस हैं और सोशल मीडिया में जितने भी लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मेरे फॉलोअर्स इतने जल्दी बढ़ते, लाइक अभी तुरंत फिर 10.1 भी हो गया। मतलब मैंने देखा, हम बोले यार जल्दी से सेलिब्रेट कर लो, पता नहीं फिर कब 11 मिलियन हो जाएगा। तो एक होता है ना कंटिन्यूसली, ये लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग, उसने ही मुझे बनाया है और सब कुछ जो भी है सोशल मीडिया पर आके ही हम किए, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। सो मनीषा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने घर से भागना डिसाइड किया था, क्या आप अभी उसे यू नो ये समझते कि आपको राइट डिसीजन था, क्योंकि आज आपने घर भी खुद का बना लिया, आपने गाड़ी भी ले ली, आपने रियलिटी शो भी कर लिया, तो वो डिसीजन को आज आप रिग्रेट नहीं करती हो? बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि अगर शायद वो डिसीज़न नहीं लिए रहते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। तो मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे आगे जाके कभी भी रिग्रेट फील नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हो आप अपने दम पे कर रहे हो, और आपको पता है कि आप करोगे तभी आपका लाइफ बन सकता है। तो अगर बात करें 10 मिलियन की, तो भी आगे चल के किस तरीके कंटेंट डालें, क्योंकि इतनी सारी फैमिली बन गई है तो कंटेंट बहुत मैटर करेगा, किस तरीके कंटेंट पे काम करेंगे आप आगे? देखो अभी मेरा क्या है, क्योंकि लोगों को मेरा डांस भी बहुत पसंद आता है, तो मुझे ना एज अ वर्सेटाइल क्रिएटर काम भी करना है, क्योंकि फिर मेरे को डांस भी करना है, एक्टिंग भी करना है, कॉमेडी भी करना है। तो मतलब मेरा है कि हमको सिर्फ एक जोनर में काम नहीं करना है। आई नो मेरा वो मेरा जोनर है कि लोग को मेरे फ़नी वीडियोज़ पसंद आते हैं या बिहारी एक्सेंट में पसंद आते हैं, बट मेरे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करनी है, चाहे वो डांस तो खैर हम करते ही हैं, बाकी और जो भी हो सब करना है। अभी भी किसी चीज़ को लेके बात चल रहा है, मे बी अभी आप लोग को आने वाले टाइम में सरप्राइज मिल सकता है, बट आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ, क्योंकि अभी क्या होता है ना बहुत चीज़ों पे डिस्कस होता है, तो अभी बोल दो फिर बाद में क्या होनी हो, तो अभी आगे जो होगा आप लोग देख लीजिएगा। पापा का क्या रिएक्शन था, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया आपने, पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश है और वो एकदम प्राउड फील करते हैं, और आज भी कहते हैं कि मेरे बिहार में हम यहाँ भले ही रहते हैं, बट इवन दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, मेरे घर अब मनीषा के घर से जाना जाता है, कोई भी लोग क्रॉस करता है तो बोलते देखो देखो मनीषा का घर है, मतलब तो बिहार में तो मेरे पापा हो, मेरे फैमिली हो, सब बहुत प्राउड करते हैं, इवन पूरा शहर भी अब मनीषा रानी के नाम से जाना जाता है, मेरा मुंगेर। बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रही हो और किसे सपोर्ट कर रही हो बिग बॉस 17? हम सच के बिग बॉस 17 बिल्कुल भी नहीं देखे, बिल्कुल भी नहीं, और अगर हम देखे रहते तो पक्का किसी ना किसी को कर देते, बट नहीं देखे हैं। हाँ मनीषा, इसके अलावा क्या, किस तरह से प्लानिंग है आपको, क्या बेसिक प्लानिंग है ओटीडी या फिर कुछ टेलीविजन के तरफ रुक करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ओटीडी के कई लोग ने जो ओटीडी में ऑलरेडी थे अलग अलग एरियाज में वो लोग ने रुक किया है, आप म्यूजिक एल्बम्स को लेके रुक कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट ओटीडी, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो? देखिए मेरा अभी मानना है कि अभी लाइफ में मुझे वो सब मिल रहा धीरे धीरे जो मैं हम सपना देखे थे, और मेरे को आगे अपने आप पे पहले काम करना है। हम लाइफ में पहले भी बताएं कि हम कभी एक्टिंग नहीं सीखे, डांस नहीं सीखे, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पहले इतना काबिल बना दें कि एक साल बाद भी अगर शायद आप मनीषा रानी को देखें तो थोड़ा और अलग लेवल पर देखें और बोले कि मनीषा ने अपने आप पर मेहनत किया, वो हार्डवर्क की, सीखी, और अब जाके, क्योंकि अभी तुरंत निकले 4-5 महीने में सब कुछ नहीं मिल जाता और सब कुछ नहीं कर लेते, पहले अपने आप को उस काबिल बनाए कि हम बोले सामने जाके कि हाँ कांटेक्ट तो कहने का सब भी का मेरे पास है। अभी अनीस बाज भी कभी कांटेक्ट है, तो अभी हम जाके बोलेंगे सर हमको ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, जब मेरे टैलेंट रहेगा तो वो सामने से चल के आएंगे, बोलेंगे मनीषा आप इसके लिए फिट हो, तो हम खुद ही चाहते हैं कि थोड़ा हम अपने आप पे मेहनत करें, और मेरा भी सपना है कि हमको आगे मूवी करना है और सोशल मीडिया पे राज करना है, हमेशा छाई रहना है, जैसे अभी आप लोग इतना प्यार करते हैं, भागे आ जाते हैं, शायद वो दिन कभी ना जब मनीषा रानी को कॉल करके बोला अरे प्लीज़ आ जाइए तो बस हम बस इतना ही चाहते हैं कि इतना मेहनत करें कि आप लोग सब हमेशा मेरे साथ रहे और सारे ऑडियंस का भी प्यार मेरे साथ। अरे भैया हम बिग बॉस देख ही नहीं रहे हैं कसम से, एकदम बिग बॉस नहीं देख गई थी रिसेंटली अभिषेक से मिली, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है साथ में, उनका सॉन्ग आने वाला है, क्या कहना चाहोगे? अरे उस पे तो मत ही पूछिए कि हम लोग
अभी भी दो तीन अलग अलग लेबल से बात चल रहा है, फिर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, इसलिए उस मैटर पे हम बोलना नहीं चाहेंगे, बट दिल से अभिषेक का हम दोनों चाह रहे कि हो जाए। अब लेट्स सी इस पे क्या देखते हैं कब क्या होगा। एलविस के साथ एक आ चुका है, इन फ्यूचर कभी कुछ होगा तो देख लीजिएगा। मैंने मैंने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। नहीं, रियली मैंने नहीं किया। अगर करी रहती तो मेरे को पता चलता, शायद पता नहीं मेरे नाम से। देखिए अभी बस बात ये कि मनीषा रानी फेमस है, कोई भी सोच रहा है कि यार सट के चाहे निगेटिव में या पॉजिटिव में वायरल हो जाए, पर मनीषा रानी घंटा उनको कोई भाव नहीं देने वाली। वो लोग मर जाएंगे कि हम लाख हाथ पाओ ऐसे वैसे कर ले, कुछ भी कर ले, पर मनीषा रिस्पॉन्स दे, मनीषा घंटा भाव नहीं देगी। भैया लाइक व्यूज हम खुद के चैनल पे उठाएंगे कि तुमको उठाने देंगे। एक आखिरी सवाल, मनीषा पार्टी आपकी यहाँ पे, बट यहाँ पे शादी भी हो रही है। अच्छा। बट आपसे जानना चाहेगी आपकी बेल रिंग कब हम आए वहाँ। अरे यार हाँ, बेल रिंग लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही क्या हुआ।